टाटा हैरियर 2019 में लॉन्च हुई थी और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं सिर्फ डीजल में आती है रेंज शुरू होती है ऑन रोड 15 लाख रुपीस से और टॉप मॉडल की 20 लाख रुपीस और ये टॉप मॉडल एक्सजेड आप देख रहे हैं प्रताप बोस ने डिजाइन की है हैरियर इंपैक्ट टू डिजाइन लैंग्वेज है फाइव सीटर एसयूवी है हैरियर Jaguar लैंड रोवर के डी एट ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनी है, है जिस जिसपे Jaguar ई पेस रेंज रोवर ईवोक और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट भी बने हैं डेवलपमेंट के दौरान Q501 प्रोजेक्ट कोड था Harrier का टाटा के H5X फाइव पर बनी है Harrier। है और ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैम्प और ऊपर जेन ऑन एच आई डी प्रोजेक्टर हेडलैंप और ये शानदार ग्रिल टाटा का लोगो और ये डुअल फंक्शन एल ई डी डी आर एल्स टर्न इंडिकेटर के साथ और ये रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं और ये शार्क फिनेटेना ये 17 इंच के एलॉय व्हील्स सिक्सटीन इंच के स्टील व्हील्स का भी ऑप्शन है आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे क्रोम फिनिश है डोर हैंडल्स पे यहां पर भी हैरियर की बैजिंग दी गई है हैरियर नाम से टोयोटा हैरियर नाम की भी एक एसयूवी आती है और दोनों का रियर डिजाइन काफी मिलता जुलता है ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं गोल्ड व्हाइट ग्रे और सिल्वर कलर्स के भी ऑप्शन मिलेंगे टाटा नेक्सॉन और टाटा हेक्सा के बीच में आती है, है हैरियर पुणे में असेंबली होती है, है हैरियर की स्पोर्टी पियानो ब्लैक फिनिशर है बीच में रियर फॉग लैम्प भी दिए गए हैं नीचे नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया है और ये है रियर की बैजिंग ये रियर कैमरा टाटा का लोगो रियर वाइपर और ये स्टॉप लैंप साथ में स्पॉइलर भी दिया गया है इंटीग्रेटेड और ये शानदार थ्री डी एल ई टेल लैंप और यहां से भरेंगे डीजल यहाँ पर भी हैरियर की बैजिंग दी गई है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है टाटा हैरियर। तीन ड्राइव मोड्स मिलेंगे इको सिटी और स्पोर्ट मोनोकॉक जैसी है है हैरियर की सेफ्टी के अंदर सिक्स एयरबैग्स एबीएस ईबीडी रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम रिमोट सेंटर लॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हिल होल्ड कंट्रोल हिल कंट्रोल रोल ओवर मिटिगेशन कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल और आईएसओ फिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग मिलेंगी काफी अट्रैक्टिव रियर प्रोफाइल है हेरियर की और ये स्पेयर व्हील साथ में एग्जॉस्ट टेल पाइप ये बूट ओपन करके देखते हैं तो यहां आपको मिलती है फोर ट्वेंटी फाइव लीटर की बूट स्पेस सीट फोल्ड करने पर एट हंड्रेड टेन लीटर की स्पेस बन जाएगी जे बी एल के स्पीकर इसको उठाएंगे तो ये टूल किट है और यहां पर थोड़ी स्पेस भी दी गई है हाथ से ही क्लोज करना पड़ेगा बूट आइए पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं फोर स्पीकर्स फोर ट्विटर्स एक सब्बूफर और एम्पलीफायर के साथ 320 ट्वेंटी वॉट का जेबीएल म्यूजिक सिस्टम मिलेगा हैरियर में डोर पे भी लेदर फिनिश दी गई है पावर विंडो के कंट्रोल और ये जेबीएल का ट्विटर यहाँ साइड में भी थोड़ी स्पेस दी गई है और ये है ओक ब्राउन परफोरेटेड लेदर अपॉलस्ट्री जिसको बनाया है जर्मनी की बेनेक केलिको कंपनी ने दो हेडरेस्ट मिलेंगे ये शानदार परफोरेटेड लेदर अपोल्स्ट्री ओक ब्राउन कलर में ये आमरेस्ट दो ग्लास होल्डर्स मिलेंगे आमरेस्ट में सिंपल प्लेन रूफ है बीच में लाइट दी गई है फ्रंट का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं काफी हैवी और बड़ा डोर है लैंड रोवर की तरह टाटा है, हैरियर का और यहां पर भी नीचे डोर पे लाइट दी गई है स्पीकर है लेदर फिनिश है नीचे बॉटल होल्डर और हो काफी ज्यादा स्पेस है फोर वे एडजस्टेबल मिलेगी फ्रंट पैसेंजर सीट आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं यहां पर भी डोर पे नीचे लाइट स्पीकर बॉटल होल्डर और काफी ज्यादा स्पेस है ये पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं और ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन एट वे एडजस्टेबल मिलेगी ड्राइवर सीट और ये शानदार बेनेक कैलिको कंपनी की ओक ब्राउन लेदर अपोलस्ट्री सीट को स्लाइड कर कर पीछे कर लेते हैं और ये पैडल्स, ये बोनेट खोलने का लीवर और ये पुश स्टार्ट बटन है ओक वुड फिनिश के साथ और यह है टिल्ट और टेलेस्कोपिक एडजस्टेबल स्टेरिंग व्हील ये शानदार परफोरेटेड लेदर एपोलस्ट्री और कोल्ड स्टोरेज मिलेगा आर्मरेस्ट के अंदर और ये ट्वेल्वी का चार्जिंग पोर्ट दो ग्लास होल्डर्स हैं और ये शानदार फाइटर जेट से इंस्पायर्ड हैंड ब्रेक लीवर काफी स्टाइलिश और ये सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ये टेरेन रिस्पॉन्स मोड सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से रफ नॉर्मल और वेट साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और आगे थोड़ी स्पेस दी गई है और यह है फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल एसी और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं हजार लाइट का बटन है ये स्पोर्ट मोड का बटन है ये इको मोड का बटन है और ये है 8.8 इंच का फ्लोटिंग आइलैंड टच स्क्रीन इंफरटेनमेंट सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ ऑक्स रेडियो एफ नेविगेशन और वॉइस कमांड एंड्रॉयड ऑटो रेडियो यूएसबी फोन ऑडियो सेटअप वॉइस कमांड कॉन्टैक्ट, ऑक्स ब्लूटूथ ऑडियो ड्राइव नेक्स्ट फ्लोटिंग आइलैंड इन्फोटेनमेंट है ये डैशबोर्ड पे एंटी रिफ्लेक्टिव नापा ग्रेन टॉप लेयर है और ये ग्लो बॉक्स में लैपटॉप ट्रे भी मिलेगी और ये ट्विटर्स और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ और ये रियर व्यू मिरर। ये रीडिंग लाइट सन ग्लास होल्डर पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा और ये है हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड रैकेंड पिनियन स्टेरिंग बीच में टाटा का लोगो है यहां पर भी थोड़ी स्पेस सी गई है बीच में और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड प्रीमियम ओक वुड फिनिश के साथ सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है और ये रीडिंग लाइट और स्टेयरिंग पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं फोन के कंट्रोल हैं ब्लूटूथ के वॉइस कंट्रोल हैं और ये क्रूज कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं और ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बीच में सेवन इंच का टी एफ टी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जो दिखाएगा रेंज आउटसाइड टेम्परेचर ओडोमीटर ट्रिप मीटर एवरेज मीडिया नेविगेशन पावर और टॉर्क ये ट्रिप मीटर रेंज पावर टॉर्क एवरेज ड्राइव मोड्स भी दिखा रहा है इको मोड सेलेक्ट किया हुआ है अभी डिजिटल आरपीएम मीटर भी है आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन तो ये है 2000 थाउजेंड सी सी इन लाइन फोर सिलेंडर क्रायोटैक फी एट मल्टीजेट टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन वन थर्टी एट हॉर्स पावर है थ्री फिफ्टी एन टॉर्क है और सिक्सटीन का एवरेज मिलेगा फिफ्टी लीटर के फ्यूल टैंक से और लगभग वन किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है इस इंजन को जेट टर्बो डीजल, जे टी इंजन भी कहा जाता है ये इंजन जीप कंपास जीप चेरो की 2015 थाउजेंड फिफ्टीन शेरोलिक्रूज़ और अल्फ़ारोमे ज्यूलेटा में भी यूज़ होता है तो कैसे लगी आपको टाटा हैरियर एस हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू